तो गाइस अभी चुप रहो, दोनों वो देखो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, मैं अभी आ गया हूं बस। ओ क्या हो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो कैसे हो सभी, हो करता सब बढ़िया होंगे। सो आज मैं ना काफ़ी दिनों बाद एक प्रैंक वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ, और वो प्रैंक वीडियो इतनी ज़बरदस्त होने वाले, बहुत ही दासू वीडियो होने वाली, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहना और वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी करना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि मैं प्रैंक कौन सा करूँगा, ठीक है। एक्चुअली वो सामने आप लोग देख रहे हो, ये छोटी सी दुकान है, हमारे साथ जो ब्लॉगिंग में जाते हैं, वीडियो में आते हैं आशु भाई, उनके छोटे भाई की दुकान है जहाँ पे। तो आज उसके साथ मैं प्रैंक करूँगा जे फेस लगा के। आप लोग देखो अभी मैंने लगाया हुआ है, लगाया ना मैंने, आपको डर तो नहीं लग रहा ना। तो आप खुद ही सोचना कि जैसे मैं आशु भाई के ब्रदर के पास जाऊँगा कि वो डरेगा या नहीं। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले उसकी दुकान पे जाता हूँ, उसको पता है मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं कौन सी वीडियो बना रहा हूँ, लाइक ब्लॉगिंग है या एक्सप्लोर वाली या कोई कॉमेडी वाली वीडियो है या प्रैंक वीडियो है, उसे थोड़ा ना पता कि कौन सी वीडियो बना रहा हूँ। तो सडनली उसके पास चलता हूँ, फिर वहाँ पर जाके वीडियो बनाता हूँ, आप लोग देखते रहिए, बहुत ही मजा आने वाला आज, ठीक है। सर सो भाई सभी मैं ये डालने लगा हूँ, आप देखना, आप खुद में डरना, ठीक है। अभी उसको डराना, अभी थोड़ा वो अंदर काम कर रहे हैं ना, उसे पता नहीं होगा अभी। तो अभी आप बताना कैसा लग रहा है, जबरदस्त है ना, क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो गए। तो चला जाओ, ओ सोनू भाई कैसे हो? बस बढ़िया यार, अब ठीक है ना बाकी? हाँ बढ़िया बढ़िया यार। तो अभी अभी मजा आएगा ना भिड़ो, अभी सुबह सुबह दुकान खोली होगी आपने, है ना? हाँ यार अभी खोली है, अभी 8 बजे। अच्छा, इसलिए थोड़ी क्लीनिंग वगैरह कर रहे हो, सफाई है ना? हाँ यार ठीक है। तो और बाकी ठीक है ना घर में सब? सब बढ़िया, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। तो तुम मेरी तरफ देख नहीं रहा, आगे काम करते करते मुझसे बात कर रहे हैं, आप ही बताओ। कि आज मैं थोड़ा लेट हो गया, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। हाँ यार फिर भी यार मेरी तरफ देख तो ले, मैं काफी दिनों बाद तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तेरे साथ मिलूं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, हूबहू हूं तेरे साथ, लेकिन तू देख नहीं रहा मेरे तरफ, बिल्कुल भी नहीं देख रहा यार। देखना मुझे तो देख, हो गया काम खत्म या नहीं? अभी क्या हुआ? क्या यार जी, डर क्यों गया? है क्या ये? गाइस देखो ये भी डर के, मैंने सोचे जो पता नहीं डरेगा या नहीं, भाई तू सच में डरा क्या? हाँ यार यार ये तो मैं ऐसे ही, मैंने सोचा चलो प्रैंक कर लेता हूँ सोनू भाई के साथ। यार तूने तो मेरे देखो, दो मिनट हार्ट भी देता हूँ वो, गाइस इसकी हार्ट बीट तो सच में ऐसे धड़क रही है, कितनी तेज होगी भाई, तू सच में डर गया था? हाँ यार, तू मेरी आवाज से भी नहीं पहचाना, आवाज से तो मतलब तूने पहचान गया था यार मैं, बहुत ज्यादा यही बता, देखने में सुनने में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है ना बाकी। मैंने सोचा अच्छा बाकी ठीक है ना सब, ठीक है। अभी एक्चुअली मेरे पास आज मैंने सोचा कहीं पे जाना है, तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, प्रैंक कर लेता हूँ किसी के साथ। तो अपने भाई के साथ सबसे पहले प्रैंक करते हैं, फिर उसके बाद आगे का देखेंगे ना। तो इसलिए मैं सबसे पहले सोचा कि तेरे पास आता हूँ दुकान पे, तुमसे थोड़ी बहुत बातचीत करता हूँ और देखता हूँ तुम्हारा क्या रिएक्शन आता है, लेकिन तू तो सच में डर गया। हाँ यार सच में डर लग गया था, देख सकते कितना पसीना आ गया एकदम से, पसीना तो आएगा गाइस जी। देखो अभी आप खुद ही बताना, आपको भी डर लग रहा है या फिर सोनू भाई को ही लगा था? सच में मुझे भी डर लगा था जब किस दिन ना इसको रात को पहन के ना, ब्लैक कलर का पूरा ड्रेस पहन के रात को डराएंगे लोगों को, ठीक है प्रैंक करेंगे, लेकिन आज का प्रैंक तो बहुत ही अच्छा लगा, सोनू भाई भी डर गया। चल ठीक है फिर, है ठीक है जी, फिर मैं जाने लगूँ अभी, मैंने सोची थोड़ा तेरे साथ, ठीक है ओके। सो गाइस आपने देखा सोनू भाई को डराया, तो अभी इस साइड देखो आशु भाई अपने ध्यान से, उसको पता नहीं है कि मैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, वो एक्चुअली पता नहीं अपना काम कर रहा, हाथ मुंह धो रहा मेरे ख्याल से, है ना। तो अभी ये काम करता हूँ, सबसे पहले इसे अपने मुंह पे लगा लेता, फिर उसके पास चलता हूँ, उसको डराने की कोशिश करता है, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा मुझे, ठीक है। तो अभी चलता हूँ सीधा आगे, तो इससे बात करता हूँ आशु भाई से, तो आशु भाई से बात करता हूँ, ठीक है भाई। तभी बहुत ही अच्छा फेस लग रहा है मुझे ये। और आशु भाई कैसे हो? बस बढ़िया, सुनाओ कहाँ? मैं हाँ, तुम्हें नहीं पता मैं इधर आया हूँ? नहीं यार मैं तो उधर गया था ना घास के लिए, चारा वारा लेने। तो गाय के लिए पाँव को गोबर लग गया था यार, वो धो रहा हूँ यार। अच्छा मतलब हाथ पाँव धो के अभी जाने लगे हो गई हैं? चप्पल धो के जाते जाते धो देता हूँ कपड़े अपने। कहाँ गए, कहाँ पे गए थे? उधर मैं नदी के पार गया था यार, उधर गाय के लिए चारा लेने, घास वगैरह। हाँ तो ठीक है ठीक है। अभी इतना रेडी हो के कहाँ पे जा रहे हो, या फिर ऐसे ही? यार आज मैंने जम्मू बोर्ड में जाना है, एजुकेशन बोर्ड में। अच्छा मेरी ना मार्कशीट गुम हो गई। हाँ हाँ तूने बताया भी था मुझे, वो डुप्लीकेट निकाली है उधर से यार। अच्छा आज डेट है 15 दिन के लिए बोला था। अच्छा 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 यार, तो मैं ऐसे इधर आया था तुम्हारे भाई के पास, मैंने सोचा चलो थोड़ी कटिंग वगैरह करवा लेता हूँ। तो कटिंग करवाने के बाद फिर थोड़ा देखते हैं भाई से। तो अभी
कितना ही मुंह आता है ठंडा पानी है वैसे टैंकी में? ठंडा पानी है, सुबह बर्फ है यार। पीने वाला पानी है ना? पी सकता है यार, क्यों नहीं पी सकते। अच्छा मैं पीता हूं। कोई बात नहीं, मुझे प्यास लगी है तो इसलिए मैंने सोचा चल कोई नहीं। तो कहाँ जा रहे हो आज आप? नहीं यार अभी ऐसे इधर तेरे भाई के पास आया था, सोनू भाई के पास, थोड़ी कटिंग वगैरह करवाने, तो इसलिए मैंने सोचा चलो। सोनू भाई से पूछा कि आशु भाई कहाँ, तो उन्होंने बोला कि इधर ही होगा, पीछे कहीं गाय के लिए चारा लेने गया था, घास लेने, तो अभी आया होगा तो इधर ही होगा। तो इसलिए मैंने सोचा चलो, देखा तो तू इधर था, हाथ पैर धो रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसके पास चलता हूँ, तो इसलिए। और बाकी ठीक है ना? सब बढ़िया। और आप सुनाओ। ओ क्या हो? देखा आपने लापरवाही का नतीजा? क्या भाई क्या हुआ? पानी फंस गया ड्रा। हुआ क्या भाई? आर यू ओके? ड्रा दी यार आपने मुझे। यार मैंने अभी तो मेरा ये देख ले, ये पहना था, ये देखो। पानी फंस गया करे। हुआ क्या? इतने डर गया गाइस, देखो यार ये आशु सच में डर गया, मजाक कर रहे हैं। आंसू आ गए यार, पानी यार। ये था हम दोनों ने और लिया तो था, ये कौन सा प्रैंक है यार? सुबह से भूख लगी, जब मुझे ये खिलाया आपने। तो गाइस जितना आशु भाई डर गया ना भाई, तुम्हें कैसा एक्सपीरियंस रहा इसका? यार मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, ये बहुत खतरनाक चीज है यार ये। मैं तो सोच रहा किसी दिन रात को पहन के कहीं बाहर जाएंगे, बहुत डराएंगे, लेकिन सबसे पहले डराना तुझे पड़ना था मुझे, सबसे पहले तुझे डराना बहुत ही जरूरी था यार। मेरे साथ ऐसे नहीं करा कर, मेरा दिल बहुत कमजोर है यार। इधर इधर क्या हुआ? वो तेरी हार्ट बीट देखो कितनी तेज है। तेरी भी तेरे भाई, तुम्हें पता मैंने क्या किया पहले? सोनू भाई है ना, सोनू भाई के पास गया, उसके साथ ही मैंने यही प्रैंक किया। हाँ सोनू भाई की दुकान में गए थे अभी जस्ट, अभी तो उसी ने मुझे बताया, तो वही किया। तो जैसे ही उसके पास में गया तो उसने बताया कि भाई कैसा वगैरह, जो भी अपने ध्यान उसने दुकान वगैरह खोली, वो काम कर रहा था, तो मैंने जैसे उसके पास गया तो मैंने ये पहना हुआ था, मैंने बोला मेरी तरफ तो देख, जैसे हाथ वगैरह उसने मिलाया मेरे साथ, वो भी शौक होकर गिर पड़ा, जैसे वो भी शौक हुआ उसके भी हार्ट बीट इतनी तेज होगी, स्पीड होगी। मैं एकदम चौंक गया ना, तो मेरे पानी पी रहा था ना, मेरे गले में फंस गया वो पानी। भैया सॉरी यार, मैंने खाली प्रैंक किया था, अगर अदर बंदे के साथ करता वो तो मुझे मारने लगता है, जिस हिसाब से तू गिरा है। तूने मतलब तुम्हें गिर पड़ा इसके पार ऐसे? पता क्या सोचा, ऐसे नॉर्मल खड़ा होगा मेरे पीछे, मुझे क्या पता कैमरा लेके खड़ा। गाइस आप लोगों ने देखा, पहले भूख भी बहुत लगी थी, मैंने सोचा जल्दी के हाथ पांव धोता हूं, जाता हूं घर में। अच्छा मुंह जाना था मुझे बोर्ड मोड में यार, मार्कशीट लेने। अच्छा तो मेरे साथ ये कर दिया। मैंने तो ऐसे ही प्रैंक किया था ऐसे ना, क्योंकि हार्ट बीट बहुत कमजोर होती है, हार्ट अटैक आ जाता है उनको। वो तो बात तेरी सही है। मैं तो गाइस आपने देखा, आशु भाई भी इतने शौक हो गए, डर गए भाई, ने पता नहीं चला भाई जहाँ पे बैठा था, जहाँ से ऐसे छलांग लगा के नीचे आ गया। कपड़े अपने आप को पहले कैमरा। हाँ तो गाइस मैंने आपको बताना भी था, पूरा ब्लैक ब्लैक कपड़े पहने हुए मैंने, पूरे पैंट शर्ट जो भी है वो जीन पे, चिंपांजी क्या बोलते हैं, जो गोरिल्ला क्या गोरिल्ला बोलते हैं, उसका बच्चा आ गया। ये तो सच में डर गया था भाई, तू पहना तुम्हें कैसा लगता है? एक्चुअली पता क्या, हम पहाड़ों में जाते रहते, देखते रहते हैं ना, तो देखने की आदत पड़ गई हमें वो। वो सही बात है यार। तो आशु भाई अभी कैसा फील हो रहा है तुम्हें? तो बहुत ही तुम डर गया था। एक काम कर, एक काम कर, क्या तू तो डर गया, सोनू भाई भी डर गया, अभी एक काम कर, वो कोई गांव का लड़का देख उसको डराती है ठीक है ना, आसपास में अगर कोई ना कोई तो होगा, क्योंकि यू ना दोपहर का टाइम है, वो भी बैठा है, वो ही है ना हमारे गांव के, क्या नाम है इसका? ऐसे पता क्या होगा, अगर हम दोनों जाएंगे तो पता नहीं डरे या नहीं डरे, एक काम करते हैं भाई, एक प्लान करते हैं, तू उसे ना, तू क्योंकि तू तेरा बहुत अच्छी तरह से नोन है, तू उसके पास जा, उसको बातों में उलझाए रख, तो मैं सडनली पीछे से आऊंगा ना, तो फिर दोनों घबरा जाना ठीक है? ठीक है तो एक काम कर, तो उसके पास जा, बातों में उसे उलझाए रख। तो गाइस अभी देखो आशु भाई उसके पास जा रहा है, वो एक्चुअली बाहर अपने ध्यान से फ़ोन कर रहा है, तो अभी जाएगा उसको बातों में उलझाएगा, तो मैं पीछे से जाऊंगा फिर उसके साथ प्रैंक करूंगा ठीक है? तो आप फिर से एक नया एपिसोड देखने के लिए रेडी हो जाओ ठीक है? तो अभी मैं चलता हूँ सीधा उनके पास, तो थोड़ा देखता हूँ, तो सबसे पहले ये अपने फेस को डाल लेता हूँ मुखट, अभी देखिए एक बार फिर से मैंने डाल लिया, तो अभी चलता हूँ सीधा ठीक है ना? तो अभी इनको पता नहीं है मेरे ख्याल से, ये आपस में दुम, मैं थोड़ा चुप करके चलो, थोड़ा पीछे से जाता हूँ। तो गाइस अभी चुप रहो दुम, वो देखो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, मैं अभी आ गया। और भाई कैसे हो? अरे 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 अभी क्या हुआ था यार, क्या हुआ? खत्म, टाटा गुड बाय, गया। कैसा प्रैंक कर रहा है यार तू?
भाई क्या हुआ? डर गया यार, पक्का डर गया जी यार। भाई देखो जी, भी हमारा बाबा भाई भी डर गया यार। मैंने बस यार ऐसे प्रैंक कर रहे थे यार, जो आपने मुकोटा लिया ना, ऐसे कोई भी नहीं यार रह सकता डरे बिना यार, सभी डर जाते हैं इससे यार। नहीं नहीं नहीं, इसको भी पता था ना आशु भाई, इसको भी पता था, इसको भी बोलो कुछ, ये जानबूझ के आपको बातों में उलझाए रखा था ताकि मैं पीछे से आऊं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए यार, हम लोग पर्सनली बात कर रहे थे यार। अच्छा, नहीं नहीं, मैंने इसे बोला कि चल तू उसके पास जा, भावे भाई के पास, तो उसके साथ थोड़ी बातों में उसे उलझाए रख, तो मैं हार्ट बीट इसकी भी तेज है। मेरी हार्ट बीट कितनी यार अभी, तीनों को मैंने देखा, तीनों की तीनों हार्ट बीट तेज हो गई यार, उसकी सोनू भाई की भी, तुम्हारी भी, तो अभी आपकी भी होगी यार। इलाका सुनसान इलाका, कोई इधर है नहीं, ऊपर से ड्रेस भी ब्लैक है, ना कोई बंदा ना बंदे के यार, एकदम से डराओगे तो ऑटोमेटिकली बंदा डर जाएगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, जैसे मेरे साथ हुआ ना वही फीलिंग इसको आ रही है। तो इसलिए मैं ज्यादा बाहर किसी को डराता नहीं, जो अपने ही भाई बंधु है ना। जैसे मैंने पहले बोला ना कि ऐसे प्रैंक करना हो ना तो अपनों बंदों के साथ करना, अदर किसी के साथ करोगे ना तो शायद वो गुस्सा करे। यहाँ तो आप कहाँ पे आए, इधर बैठे थे ऐसे इसके साथ बातें कर रहे थे ऐसे? अच्छा 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 अच्छा, बाल कटाने आए थे, कटिंग करानी है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने सोचा चलो देख लेते हैं। हमने सोचा, हमने अभी दो लोगों को डराया, आशु भाई को भी डराया, तो आशु भाई भी मेरे साथ डरा दे, मेरे भाई को भी डरा दिया इन्होंने यार। पहले सोनू को डराया, फिर मेरा नंबर आया। अच्छा, अब तेरा नंबर आ गया। मैं तो डर गया कसम से यार, ये भी डरा था, ये उधर हाथ में दौड़ रहा था, गले में पानी फंस गया था, जैसे मैंने एक घूंट पानी का पिया था ना, अंदर ही फंस गया था, तो आँखों और नाक से भी पानी चलना लगा, इतना तेज, मतलब इतनी हार्ट बीट तेज होगी, डर जाता बंदा। सही बात है, मैंने पहली बार ऑटोमेटिकली बंदा डर जाता है, ऊपर से जो उसके साइडों में बाल लगे, कितने रियल बाल हैं, आप खुद ही देखो ना, पूरा है ना डरावना लग रहा, बिल्कुल वो देखो गाइस, आप खुद ही देखो। अभी तो सुबह का टाइम है ना दोपहर का, अगर रात को जो कोई डाल के जाएगा ना पूरा ब्लैक ड्रेस पहन के, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई डरेगा जी। देखो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे लग रहा है ना, है ना। तो ठीक है गाइस, फिर बहुत ही अच्छा लगा आज प्रैंक के लिए, बहुत ही मतलब तीन लोगों के साथ प्रैंक किया, अपने भाइयों के साथ प्रैंक किया, तो बहुत ही मज़ा आया। सो ठीक है फिर चलते, आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। सो ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट भी करना। सो मिलते हैं फिर आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके।